ये सब बच्चे भी आए हैं आपसे मिलने। हैप्पी फादर्स डे पापा, खुश रहो। विश करो नानू को। जाओ नानू को हग करो। ये गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया हो? आज क्या है आपको मालूम होगा, और आपको मालूम है कि बिस्किट बात नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग हटा देते हैं और बात मैं कर रहा हूँ। और ये सामने बैठी है मेरी मैडम, मेरी हीरोइन अर्धांगिनी, और क्या क्या बोलते हैं वाइफ को, वाइफ, पत्नी, अर्धांगिनी, और जो जो बाकी चीज़ें होती हैं आप कमेंट डाउन बिलो। उसके बाद चन्ना, आज क्या है? आज है फादर्स डे। ये सो आज फादर्स डे है, और हम लोग क्या करते हैं? फादर्स डे को विश करते हैं। तो फादर को विश करते हैं। तो ठीक है गाइस, आज सभी फादर को विश करेंगी, लेकिन मैंने कुछ सोच के रखा है आज फादर को कैसे स्पेशल फील कराना है। सो अब हम लोग चलें और चलते हैं डैड की तरफ। क्या बात है पापा, आज भी रोमांस नहीं छोड़ेंगे। आज मैं मानता हूँ कि फादर्स डे है, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग बच्चों पे ध्यान दीजिए कि फादर जी, आज आपका दिन है, एक बहुत ही बड़ा दिन है। हमारे रोज दिन होते हैं, रोज तो मनाते ही हैं हम लोग, रोज ही आपको हम लोग को फादर्स डे लगता ही है, रोज डांट पड़ती है हम लोग को पापा से। निशी को नहीं, मुझे ही पड़ती है मोस्टली। कोई कह सकता है जिसको डांट पड़ती होगी? ये लो टीम अप हो गई भाई, टीम हो गई यार, तो टीम हो गई। अच्छा रुको, आपका दिन है, रुक जाओ भाई। कलर टी शर्ट कलर देखो कितना, वाओ यार, वाइब्रेंट। 12 seconds later. चलो फोकस शिफ्ट, आज मदर्स डे नहीं है, आज फादर्स डे है। आज कुछ एक नया खेलने वाले हैं। निशी तुमको मालूम है क्या करने वाले हैं? सो निशी आप बताइए क्या करने वाले हैं? पापा आज के लिए आपके हम दो बच्चे जो हैं, हम जीनी हैं आपके, तो आप ऐसे रगड़िए और जीनी प्रकट हो जाएगा आपके, मतलब हाथों को रगड़िएगा, हम लोग को नहीं। पापा हम लोग आपके, आपको हम लोगों से कोई भी दो दो टास्क कराने हैं पूरे दिन में। टू टास्क ईच, मतलब आपको आज आज आपको एंजॉय करना है। हाँ। हम लोग आपके जिनी बनेंगे, और मैं ये सोच रहा हूँ, जो जिनी बनेगा, जो जिनी बनेगा वो कैप भी पहनेगा जिनी की, और वो बोलेगा हुकुम मेरे पिताजी। ओके, हुकुम मेरे पिताजी, और आप फिर उसको जो है अब मन पसंद का कुछ भी करा सकते हो, कोई भी जिनी चूज कर सकते हो। ठीक, बिल्कुल, आपकी आंखों में नॉटीनेस देख पा रहा हूँ मैं, नॉटीनेस। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, मुझे देख रहे हैं आप। जब मैं 9 इयर्स की थी तब उनकी डेथ हो गई थी। नाना की हो गई थी मालूम। पापा आपके स्ट्रिक्ट थे? नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थे, बहुत पोलाइट थे, लेकिन उसने मुझे जो संस्कार दिए वो आज भी मुझे काम आ रहे हैं। ये बात तो है, मेरी बहू मुझे सेम वैसी मिली, अरे नाना जैसी। जो संस्कार उसने मुझे, अच्छा मतलब वो सेम क्वालिटीज। So Dad, are you ready to roast us? Ready, तुम ready? मेरी कैप ये है, मैं ready हूँ पापा, मैं देखिए कैप के साथ ready हूँ। ये कैप क्यों पहन रहे हैं ऋषि हम लोग? ये हम लोग जीनी बन गए। अब ये तुम्हारी हो गई। Dad क्या होने वाला है? पहली मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे बचपन की बातें। जब तुम 5-6 साल के थे तो जो समर टाइम आता था तो पाउडर लेके हमारे पीठ पे चढ़ के पूरा पीठ पे हमको मलते थे, बहुत बढ़िया लगता था। हम उसको बुलाते थे डेली और तुमको भी मजा आता था। उसके बाद तुम जब पढ़ने गए बंबई और वहाँ तुम एक घर में रहते थे, तो एक दिन सुबह सुबह मैं पहुँच गया वहाँ पे। अरे तुम मिले, तुम मेरे लिए चाय बना के लाए और क्या कहते हैं ऑमलेट ब्रेड खिलाया तुमने, ब्रेड हमने ऑमलेट भूल चुका हूँ, जला वाला मिले आपको। दो चीजें हैं बहुत अच्छी लगी, ऑमलेट वाली वो चीज तो हम भूलते नहीं है। अच्छा, इसने चाय आज भूल जाए, अच्छा वो भी बना ली। तो आज मेरी पहली विश यही है, क्या तुम फिर से हमें चाय पिलाओ। ये हमारे जीनी ने कैप पहन ली है और विशेष आ चुकी है जो आपकी आज्ञा है पिताजी। ये पहली विश आपकी क्या है कि मैं चाय बनाऊं या पाउडर लगाऊं? पहले पाउडर नहीं लगाऊं, पहले चाय बनाऊं। ये देखो मम्मा इसको चलाना बता रही है। नहीं वो सब जानता है,
इतने में मत बनाओ, बह जाएगी। तो पहले गरम करूंगा ना इसको। अच्छा अब मैं गाइस शायद इसमें दूध डालते हैं। अब मैं दूध डालने वाला हूँ। टाइगर वाले बिस्किट भी लेके आए वो वाले, कौन से ब्रिटानिया वाले। अच्छा बाबा चाय बजे कितनी पीते हैं? कड़क चाय बताया था क्या उस दिन? कड़क कड़क चाय 2 स्पून कड़क चाय बनाएगी। डिपेंड करता है ना कि चाय पत्ती कितनी पीनी है, इतना पूछ लेता हूँ पहले। आप प्रतीक रोज सुबह मुझे चाय पिलाएगा ठीक है? मुझे कोई इशू नहीं। अच्छा इलायची डाल दे, डालो इलायची। अदरक अदरक पीसनी पड़ेगी ना, यही डालो इलायची। ठीक है इलायची बाबा इलायची पीते हैं। ऐसे डाल दो रोज खोल डालनी पड़ेगी ना? नहीं नहीं खुद करेगा। इसमें क्या है? तुम जीनी, तुम तो लग रहा लिटरली मैं जीनी। तो मैं करना है जीनी, मैं आज वाला जीनी हूं, थोड़ी हेल्प चाहिए होती मेरे को जीनी को। ये लो ऐसे ही डाल दो पूरी रॉ, डाल दो विजय छड़। नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा क्या नहीं लगेगा, ऐसे ही डाली जाती है तो वैसे ही छन के आएगी। अभी छन्नी से छानो बेटे। अच्छा मुझे लग रहा है कि जो टी अब जैसे ही उबलेगी ध्यान देना बाहर निकल आएगी। वही तो मेन गेम है। मुझे स्मेल तो अच्छी आ रही है चाय की और बिगाड़ भी दिया। वो थोड़ी बहुत गिरेगी, मतलब उसका मतलब ये था कि चाय जो गिर गई है वो ज्यादा थी। जी नहीं क्या लेम रीजन है। जीनी जीनी चाय चाय पापा वेट कर रहे हैं। चाय अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। छोटी जीनी, छोटी जीनी बताइए। छोटी जीनी क्यूट जीनी अच्छी है, बहुत मिठास है। अब इसी से बनवाना। हाँ और क्या। अब चाय देखिए देखिए पापा, मैंने चाय तब बना जब मैं जीनी बना। अब रोज तो जीनी बनूंगा नहीं, मैं रोज तो बनना नहीं है मेरे को। आज ही है फादर्स डे पापा, आज के लिए जीनी। यार अब इमोशनल नहीं कर रही है। तो नेक्स्ट टास्क इज फॉर निशी अडवाणी। निशी को बहुत प्यारी बच्ची है, जब से आई है। तो मैं क्या अच्छा नहीं बच्चा हूँ? तुम भी हो। अच्छा ठीक है ओके। अरे दोनों की बॉन्डिंग जो है सास बहू की जैसे माँ बेटी वाली बॉन्डिंग चली आ रही है। यस अच्छी बहुत बढ़िया। तो हमारी तमन्ना है, हम सोच रहे सास बहू की एक नोकझोंक वाली एक्टिंग करा। अरे वाह भाई, बेटी माँ वाली रोज देखते हैं उसको। देखी जाए कैसा लगेगा। सुबह जब होगी तो 8 बजे नीचे नहा के आ जाना, और आए बगैर मैं जाने नहीं दूंगी किचन में। क्या आए बगैर? नहाए बगैर, नहा के उतरना और फिर जाके सबसे पहले मंदिर में दिया जलाना, और उसके बाद आके ब्रेकफास्ट देखना, ठीक है? और उसके बाद आके धोबी आएगा, उसके कपड़े भी डालने जाना, बाहर सारे काम करने। अब निशी तुम उल्टा दाब दोगी, मैं नहीं करने वाली। बोलो 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 मम्मी। बट आए था माँ छो गया, छो ना करनी है, माँ ना करना, माँ की काम है वो भी ना करनी है, थी माँ करना सब कुछ काम। टड़ा 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 निशी आगे ना, माँ ना करना मम्मी ता करे बच्चो, माँ ना करे पाइना, मतलब माँ कह रहा तू कुछ ना करनी है, कुछ ना करना, माँ के वो भी काम है। तू मतलब हीरोइन ठहरी बैठी होगी ना, अरे हिंदी में आ जाओ। ये देखिए महारानी हो तो मैं तो हीरोइन हूंगी ना, आप महारानी हो तो मैं भी तो हीरोइन हूं। हां गाइस, मतलब हम सिंधियों में जब गुस्सा हम लोग करते हैं तो सिंधी में ही बात करते हैं, सिंधी में आ जाती है, उसमें ज्यादा फील आता है। मम्मी बस मजाक कर रही थी ना, लेकिन हम चाहती तो नहीं हो रहे हैं। ओके ओके थैंक यू। अब दूसरा किसी के लिए है, अपने पापा को फोन करके वीडियो कॉल करके उनकी भी 2 विश पूरी करो। अरे भाई क्या पापा ने 6 मार दिया यार। सो जिनी इज रेडी, डैड हो गए रेडी है, तुम भी, मैं भी रेडी हूं। पहले तो हैप्पी फादर्स डे। तो अब पापा के साथ हम लोग जीनी खेल रहे हैं, तो हम लोग मैं और प्रतीक जीनी बने हैं पापा के लिए। पापा की जो सेकंड विश थी
वो थी कि तुम अपने पापा को कॉल करो और उनसे दो विशेस पूछो और उनकी दो विशेस पूरी करो। तो अब आप मुझे दो विश बताओ जो मुझे पूरी करनी है खटाक से। तो मेरी सबसे पहले एक काम करो, प्रति को किस करो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को दिखाओ भी तो किस करते हो। अच्छा दिखाओ। ये टफ हो गया। प्रतीक अपना हैंड दो। नहीं पापा आपने मेंशन नहीं किया। अच्छा दाढ़ी पड़ी है। चलो डन, जो हुकुम मेरे पिताजी। शाबाश क्यूट है। शाबाश जिन्नी, शाबाश। क्या सेकंड विश ऐसा है? पापा बोली हम लोग कुछ भी करेंगे आपके लिए। ओके हम लोग ठीक है, हम दोनों साथ में करेंगे। दोनों ही, हाँ, दोनों को ही कर, दोनों साथ करेंगे। देखो आज की तारीख में हेल्थ की बहुत प्रायोरिटी होती है। ओके अच्छी हेल्थ रहेगी तो हर काम अच्छा होगा, जो भी करोगे अच्छा होगा। तो हमारी विश ये है तुम दोनों ही सुबह 7-8 बजे उठ के एक्सरसाइज जो तुम लोग करते हो लेकिन रेगुलर नहीं करते हो या वो नहीं करते हो, वो करोगे लगातार लगातार डेली करोगे। अच्छा अच्छा, ये हमारी विषय दोनों ही ठीक है, बनाओगे तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है पापा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारी विषय तो मेरे हुकुम मेरे पिताजी, ये आपकी विश पूरी होगी। तो गाइस ऐसे होते हैं पेरेंट्स जो मतलब अपनी विश में भी हम लोगों का ही भला देख रहे हैं और हम लोगों को ही फिट कर रहे हैं। तो करेक्ट बात है ये, और ये डैड की बात अभी हाँ, बचपन से बचपन से ऐसे ही बड़ा किया है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे भी पापा अरे हाँ, अरे फ्रेंड होते हैं ना हाँ, इन्होंने मुझे बचपन से पाला। ये बात बचपन से मतलब शादी हो गई थी 20 इयर्स में हाँ। मेरे हस्बैंड ने मेरे पापा की तरह मुझे सपोर्ट किया और मुझे लाइफ में इतना कुछ प्यार मिला, सब कुछ मिला। या मैं इसके लिए कुछ बोलना चाहूँ, पापा सब कुछ सहते हो पर हमसे कुछ नहीं कहते हो, कुछ सहते हो। क्या बात है मम्मी, तुम्हारा सॉन्ग तो मतलब सुपर हिट, तुम्हारे सॉन्ग में वो कंप्लीट ही नहीं। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा तारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा मेरे पापा। निशी अठवानी मेट और रबड़ी फॉर्स, इसने अपना टास्क पूरा किया है और टास्क पूरा करने के बाद इसने सबको खिलाया भी है। हाँ, खिला दिया। तो आपने खाया है नहीं खाया है? बहुत डिलीशियस बनाई। तो चलना मैं टेस्ट करूं। तो गाइस हम ये वीडियो यही एंड करते हैं। होप आपने हमारे साथ फादर्स से एंजॉय किया, आपने अपने फादर्स के साथ भी एंजॉय किया। हाँ पापा आपने एंजॉय किया, दोनों। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर फैमिली एंड वी विल कीप कमिंग बैक विद मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। बाय बाय।